आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुश्मन को खत्म करने का ये उपाय। जी हाँ, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें जानने के लिए कि कैसे आप अपने दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके जीवन की जो भी तरक्की है या आपकी जो प्रमोशन है उसमें कोई रोड़ा अटका दे रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपके दुश्मनों की कमी नहीं है। कई बार दुश्मन इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। कुछ पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका की निजी जिंदगी में भी खलल डालने लगते हैं। दुश्मन का कोई जाति धर्म या लिंग नहीं होता, वो कभी भी कहीं भी आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहे हैं दोस्तों, तो आपको बताते हैं कुछ आसान से वशीकरण के उपाय। सबसे पहले आपको चाहिए साबुत उड़द की दाल। इसके आपको लेने होंगे 40 दाने और साबुत चावल के 40 दाने। इन दोनों को मिला लें और मंदिर के परिसर में यानी कि मंदिर में जाएं, या फिर अगर आपका घर है वहां पर आंगन है तो साफ सुथरी जगह पर 3 इंच का गड्ढा खोदें और जमीन के अंदर इनको दबा दें। इसके ऊपर एक नींबू लें और उसे निचोड़ दें। इस कार्य को आपको आधी रात को करना है दोस्तों। इस दौरान मन ही मन अपने दुश्मन का नाम लें। इस प्रयोग से आपके प्रेम संबंध बिगाड़ने वाले व्यक्ति को खत्म करने में सहायता मिलेगी, यानी कि वो आपसे दुश्मनी करना छोड़ देगा। उसके जीवन में आपका कोई वजूद नहीं रहेगा और आपकी जीवन में किसी भी तरह की समस्या खड़ी करने में उसे कोई इंटरेस्ट या कोई भी मजा नहीं आएगा। अगर कोई व्यक्ति घरेलू कलह बढ़ाता हो, गलत अफवाहों के जरिए दुश्मनी निकाल रहा हो दोस्तों, तो शौच क्रिया के दौरान आप ये टोटका कर सकते हैं। पानी से वहीं पर पैर या हाथ की उंगली के सहारे से उस व्यक्ति का नाम लिखें। शौचालय के बाहर निकलते समय उस जगह पर दाएं पैर से 3 बार ठोकर मार दें। दोस्तों ये आजमाया हुआ उपाय है, इससे आपके दुश्मन को आपके जीवन से निकलने में सहायता मिलेगी और वो आपके जीवन से चला जाएगा। एक और उपाय है दोस्तों, थोड़ा सा नमक लें और शाम के समय अपने सिर से 3 बार उतार लें। इसके बाद दुश्मन का नाम लेते हुए दरवाजे के बाहर इसे फेंक दें। ऐसा आपको दिन में 3 पहर यानी कि सुबह, दोपहर और शाम को करना है। इससे दोस्तों आपके जीवन में जो भी दुश्मन है वो चला जाएगा। 3 दिनों तक आप ये उपाय कीजिए, आप इसका असर जल्द ही पाएंगे दोस्तों। और अब हम आपको बताते हैं कि तांत्रिक साधना के जरिए कैसे आप अपने दुश्मन को अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं। अमावस्या के दिन 2 इंच की 4 कीलें खरीद लाएं। उसी रात को ठीक 10 बजे दक्षिण दिशा की तरफ काल भैरव की एक तस्वीर लकड़ी की चौकी या तख्ते पर रख दें। तस्वीर का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उनके सामने काले रंग का आसन बिछाएं और बैठ जाएं। तस्वीर के सामने सरसों के तेल का 4 बाती वाला दीपक लगाएं। अब 4 कीलों को अलग अलग मौली से लपेट कर भैरव के सामने रख दें। उनसे हाथ जोड़कर विधि को संपन्न करने की प्रार्थना करें और पिछली हुई भूल के लिए क्षमा मांगे। इसके बाद एक हवन कुंड तैयार करें और हुम हुम फट स्वाहा मंत्र का जाप 108 बार करें। प्रत्येक मंत्र के बाद सरसों के तेल की आहुति दें। जब विधि पूरी संपन्न हो जाए तो उस स्थान से उठें और अब बारी आएगी टोटके की। पूजन और हवन सामग्री को छोड़कर कीलों को मौली में से निकाल कर संभाल कर रख लें। अगले दिन दुश्मन के घर के दरवाजे के पास ही किसी दीवार पर कीलों को ठोंक दें और बची हुई सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें दोस्तों। घर आकर गंगा जल से घर में छिड़काव कर दें और दोस्तों इससे आपके जीवन में जो भी दुश्मन है वो चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये उपाय हम आपके लिए करें तो हमारे नंबर पे कॉल लगाइए, हम आपको ये उपाय करके देंगे दोस्तों और आपके जीवन में जो भी दुश्मन है उन्हें दूर करने में आपकी मदद करेंगे। तो वीडियो की स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आप उस नंबर पे हमें कॉल लगा सकते हैं। तुरंत कॉल लगाएं पंडित योगीनाथ जी को, उनका नंबर है +91 9773 8643 9।